काम तू कोनो बात बिना चिल्लाए ना कह सकती का? लाते के बेटा बाते सुमारे तब ना जो अपने बाबूजी के खाने दे, चुटकी के नहला धुला दे, स्कूल जाएगा कि ना? अरे सुगना की अम्मा, जरा गुस्सा काबू में रखा, लड़का सयान हो गल हुआ हो। चलो इतना तो पता है कि बच्चे सयान हो गए हैं, अब शादी ब्याह का भी फिक्र करियो चुटकी के बाबू। मरद कितना भी गुनी हो, मेहरी के नजर में बकलोले रहा ला। चुटकी की अम्मा, भगवान सब ठीक करिया हो, समय के साथ सब हो चिंता करे तो कौन जरूरत ना हो। बाबू जी खाना। हाँ हाँ रख बिटिया, बड़ा ख्याल रख रही बिटिया। अरे हाँ मास्टर साहब मिले थे तेरे? क्या कह रहे? कह रहे थे पढ़ने में बड़ी तेज है तुम्हारी बिटिया। जा बेटी जा, स्कूल जा, नाम रोशन। ठीक ठीक बाबू जी, हम प्रधान चल चुकी चल। अब प्रधान में एकदम मजा ना। सही कहा भैया, मजा तो ना। जय राम जय राम। और बताओ बताओ। बस एक काम रहल माई बाप। हाँ हाँ बोला। बस वह शौचालय खातिर आयल रहे प्रधान। अबे बताओ खताओ के शौचालय के लिए 5,000 रुपया जमा करना पड़ी, तब जाके शौचालय बनी, समझा? पर इतना रुपया हम कहाँ से दे? देखा खताओ, विकास भवन से लेके जेई सेक्रेटरी वीडियो डीएम हर जगह जेबा गरम करना पड़ता है, तब जाके कहीं काम होता है, समझे? हम बहुत गरीब हैं माई बाप, कितना रुपया कहाँ से लाएं? तो क्या करें, हमारे शौचालय के अपना घर बेच दें। तो यहाँ से आओ, चलो भागो यहाँ से, जब पैसा होगा तब आना। पता नहीं कहाँ चले आते हैं सब लोग। बाबूजी। हाँ बेटा। जानत हैं कल हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे। अच्छा। कह रहे थे घर के आसपास कूड़ा करकट ना फेंके। हाँ। पानी ढक कर रखे और खुले में शौच करने ना जाए। ठीक। और घर में एक शौचालय जरूर बनवा ले। इतना रुपया कहाँ से आई, उन्हें तो बस भाषण ही देना है। तब तो कह रहे थे बाबूजी हर गाँव में पैसा आता है, तो आप प्रधान से क्यों नहीं बात करते हैं शौचालय के लिए? गए तो थे प्रधान के यहाँ कल, उन्हें तो बस पैसा चाहिए तब मिली शौचालय। बतावा बिटिया, इतना रुपया हो तो शौचालय हम न बनवा ले। दिन दिन के रोटी की जुगाड़ कर ली उतने बहुत। तो बाबूजी सरकार को क्या दिखाते हैं ये लोग? सब कागज से बन जाता है। 200 शौचालय आया था, 8-10 शौचालय प्रधान और सेक्रेटरी अपने चमचों के यहाँ बनवा दिए, और बाकी का पैसा प्रधान और सेक्रेटरी मिल के हलप कर गए। पर बाबूजी घर में एक शौचालय होना बहुत जरूरी है। जिंदगी बीत गई पर तुम शौचालय की जरूरत ना पड़ल, 4 अक्षर का पढ़ लिख ली हो गई बड़ी शौचालय वाली, चल हट जो। अरे ठीक है तो कहा था, मारा होता तब न बुझता, हम लोग का काका झेलक पड़त है, दिन में पेट खराब हो जाए तो साल तक पेड़ पकड़ के बैठी रही, मरद क्या कहा है, जहाँ जहाँ वही धड़ाम धड़ाम धड़ाम। घर चल, अम्मा तुरंत बुलाई है। का है, कौनो बात है का? कुछ मेहमान आया, अम्मा बोली है पिछवाड़े से आना। पिछवाड़े से बुलाई है, चल। काम्मा तुम हमको बुलाई का? ब्याह करेगी रे। काम्मा ब्याह ही करी के राहल तो स्कूल काहे के लिए भेजती है? हम ब्याह नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगी कल लिखकर। यही लिए तो तोसे पूछा था, तोहरे बाबूजी तैयार हैं, पर तू चिंता ना कर, हम तुहार बिया अब ही ना करे बिटिया, घबराऊ जी। चल चुटकी चल चल चल। और भैया सब उन्हें कृपा हो, पानी ले आओ तुमने कमाई। और कैसे चला है? बस भैया साइकिल से आए हैं। कहाँ करे घमुआ में चला आया।
नमस्ते भैया। नमस्ते भौजी। अरे भैया ठीक हो रहा है? अरे जीतन भैया जय राम। आओ ठीक हो ना? आवा बैठो 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 ला 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 पानी पहले तू पी ले। पिया 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 यार पिया पिया रे पिया पहले पिया ठीक ले भैया पहले पिया तू हम तनिक पी ले भैया हां ले भैया पानी पिया ले ले अरे अरे जीतन अरे यार बेटा है बेटा था काम है सोरा ना खरा रिश्ता बा खेताऊ भैया ललटेन लेके हेरबा तब ऐसा रिश्ता ना पाऊबा खेताऊ भैया दस बिस्सा खेत बखरी पक्का मकान बनावे के लिए ईटा भी गिरवा लिया है बालू का दाम घटते ही पक्का मकान भी बनवा लेगा। अरे पढ़ा लिखा है क्या? अंगूठे छाप है। अरे पढ़ाई लिखाई में कहा रखल बा? काहे? अरे कमात बाय ने। अरे का कराला? भट्टा पे मजूरन का ठेकेदारी करत है और बीसों मजदूरों को खटवाता है और खुद साहब बन करके टहरत है। भट्टा मालिक से डायरेक्ट बात होती है और मेठ भैया मेठ सुगना साहब आइन बन करके रहेगी। हम मैं ना कर रखा हूँ सुगना का ब्याह। पगलाई गई हो का? पगलाल ना है बस ना कर रखो ना कर रखो सुगना का ब्याह। अरे भौजी कौन कहती सुगना अब बच्ची है अठाई में पढ़ा था 14 साल की भी ना भाई है और हम सुगना का बचपन कैसे छीन सके थे बस यह बात और कोनो बात ना। अरे चाची नीक रिश्ता बा बार बार न मिले रिश्ता। नीक हो चाहे बेकार चितन तू हमारे घर नहीं पढ़ा तो ही अच्छा। अपनी बिटिया का तो मिलिट्री पढ़ा था मिलिट्री 25 साल के हो गए लोकर कौनो चिंता ना। सुगना के बड़े हितैषी बनाया लेन है के तोरे मुहे लगे जवन तोरे समझ में आवे उकरा और हम चले। जय राम खेताओ भैया जय राम जय राम भैया जय राम भैया जय राम गुड़वा गुड़वाता चले भैया। जायद भैया खूटा गाड़ के बैठ गई है एक नंबर की संगी बड़ा सबक देत रहा थे। अपने इसी जिद्दी स्वभाव के कारण कईयो बार धोखा खाई है। ठीक है भौजी अब हम चलते हैं। एक बार जरूर विचार करिएगा अगर आपका मन जमे तो 2-4 दिन में खबर पहुंचा दीजिएगा हम फिर आ जाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन से हम तुम्हारे इंतजार करते रहे आज तू आयलु है हमारे शिगरा में। कब तक मिजी मंगल भैया? भैया कैसा भैया रे? हां कैसा भैया अगर हम सबके बहन बनावे लागब तो का हम हाथ हिलाए? ई का कह रे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पगली तू चल हमारे साथ में भाई पे वहां सब समझ जाएगी। वहां रजाई गद्दा तकिया सब लगा हुआ है बहुत मजा आएगा। चल हां चल 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 छोड़ो महाराज और जाने दो हमको। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? बस 5 मिनट का तो काम है रानी फिर चली जाना घर। तुम लोग तो हम लोगों का हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते हो हमारी देह को छूकर नरक में जाओगे पंडित। अरे पगली स्वर्ग नरक तो हमारे हाथ में है रानी तुम काहे परेशान हो रही हो? छोटे मुझे घर जाने दे। चल 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 अब क्या करेगी? अरे बाबा परी इतनी मार दी। अरे का भेल सुगना का भेल रे का भेल बोल क्यों सब कुछ मत कहें चुप चुप हमारे सबके इज्जत चली जाए बिटिया। हम सबके पास इज्जत के अलावा है ही क्या बिटिया क्यों से कुछ मत कहो चुप चुप हम कुछ सोचे थे हम कोनो रास्ता निकाले चुप हो जाओ आवाज बनकर चुप हो जाओ कुछ सोचे थे। हे विधाता ई कवन दिन देखौला हम सबके इज्जत के कहे तमाशा बनावत है।
अगर ये बात गांव में फैल गई, हम सब कहीं के ना रहे, सुगना से के भी आ करें कि एक कलम के लेके ढूंढ। हे भगवान, अब बस एक ही रास्ता बाटे, सुगना का निक चाहे नेवर रिश्ता ढूंढ के उकर बियाह कर दे। भैया हमें ये शादी मंजूर। अरे हम तो कह रहे कि सोच समझ के फैसला करबू तो अच्छा रही। अरे तो लेन देन दहेज का मांग हो। अरे भैया लड़का हीरा है हीरा, आप लोग तो जानत है समाज में का चलत हो। एक घड़ी, एक अंगूठी, एक सिकड़ी और एक गाड़ी और 50,000 रुपया, इतना हम कहाँ दे पाएंगे। अरे ये तो बहुत कम हो, दूसरे लोग लाखों रुपया लेकर के खड़े हैं। मैंने ही कहा कि लड़की के घर वाले गरीब हैं, इतना नहीं दे पाएंगे। और किसी तरह माने हा? मौका हाथ से ना गवावा खेताऊ, मान ले रिश्ता हाथ से मत गवावा खेताऊ। पर हम इतना पैसा कहाँ से ले आए। सब कुछ ठीक हो भौजी, भगवान मुँह चीरे हमें तो निवाला देबे कहीं है। तारीख तय कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब भागे थोड़ी जा रहे हैं। लड़की के देख देखौवा हो जाए फिर आगे देखल जाए। इसी इतवार को बुला लेते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और हम लोग भी देख लेंगे। हाँ, हाँ, सब तय हो जाएगा। गाड़ी दीदी, वो लोग आएंगे तो काका पूछेंगे। क्या पूछें, तन बता दे। कुछ बताओ ना, काका पूछे हैं। ऐसे का देख रही है छुटके दीदी, अच्छे से सजियो ना तो उन लोग वाले ना फेल कर देंगे। अच्छा अबे बतावत है, रुक रुक। अबे तो लिपस्टिक पाउडर ना भाई, मेहमान बाहर आए गए हैं, जल्दी कर। हाँ बस हो गए अम्मा। और किताब भैया, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। भगवान जोड़ बनाए हुई है, दिया बिया हो गई करे। आपका हाथ है बे, हमका तो बार बार पिसा में लग जा रहा है। हम के भाई भैया कुछ दे रहा है। अबे होता है ऐसा, पहली बार होता है भैया, हम हो को बार रहा बे। अरे राजमन, का हम पूछेंगे रे अपनी मेहरिया से। अबे पढ़ाई लिखाई पूछ लेना, स्कूल कॉलेज पूछ लेना, और भाई बहन का छुआ है वो पूछ लेना। मान ले तो हमसे 8 क्लास आगे है, कहीं उल्टे ना फंसा दे हमें पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। अगुआ झूठ बोल गया है। कि हम 5वीं पास है नहीं, उसको का पता कि हम का दहिये गोल से लापता है। अरे नहीं नहीं पानी चला भैया, चला देखा तू लेने हमें तुझे बड़ा भैया देखा हमें देखा तो अरे यार तो गई बता दिए है ना। हाँ साहब समझे रहे ना, था माना फिर तू है। अरे साहब एक शादी ना बहुत शादी करवाए, आपके पता है ऐसा वैसा ना है, ऐसा सर ब्याह कराए हो बहुत। अरे वो देखा लड़की आवत हियो, अरे तो एक नंबर का वाली डहरी। अभी हम सोचे रहे तांबड़ा या सेम, ऐसन काहे सोचे रे। कौआ की कौआ ना मिली, का उज्जर कबूतर मिली। हम कौआ है। अरे सा चुतिया ने आज जतन है भाई साबुन से, अब तो फसाई रे पक्की की मनी। अरे राजमन इत भाग जा गई रे। भाग भाग जा गई।
बुढ़वा इतना दहेज मांग ली ने कुल काम चौपट हुई बात तो एकदम एक नंबर का कमी है फिल्टर तो रामदुलाल इंटर कॉलेज में जाओ बेटी जाओ लड़की तो हमें पसंद हो बस वह आगे हमारे लेन देन के बात तय हो जाए समझ ले ब्याह पक्का छोटा मुंह बड़ी बात मेहमान जी दहेज का रकम कुछ ज्यादा बा गुंजाइश हो तो कुछ कम कह दी सकता अरे भैया हमारा नाम फिरतू है अपनी जवान से फिरते नहीं है हम अगर हमारा रकम ना दे पाऊंगा समझ ले बरादू ऐसे फिर जाए हमारा नाम फिरतू है अरे नहीं भैया आपका बात कटी नहीं जवान भी बात हो आपके मिली हम है ना बीच में हम है हाँ तो बता दे भैया हमारा नाम फिरतू है अरे हमें मालूम बाकी कितना फिर गया है लेकिन ये बात हमारे दौरे में रहा है समझा अपन समझ लिया फिर फबड़ाया जीन भैया हम है सब कुछ संभाल ले समझी जी दहेज के पैसा शादी से दो दिन पहले भिजवा दी है बहुत सारी व्यवस्था करनी है और बरातियों के स्वागत में कोनो कमी ना हो जाए ठीक हो मेहमान जी हमारे रिश्ता मंजूर है ये हुई ना बात इसी बात में कमी ना हो जाए सुगना के बाबू हाँ हाँ बोला चार दिन ब्याह के रह गल बाटे अच्छा। कौनो इंतजाम ना भयला कुछ इंतजाम इंतजाम करी है हाँ पैसे के इंतजाम के बारे में बात हमने कर लिया है सब देने के लिए कहे हैं हम जा रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक अम्मा हमारे ब्याह दो ही दिन रह गए सबके घरे मेहंदी लगत है बाजा बजत है बांस गड़े थे हमारे ब्याह में ऐसा कुछ ना हुई काम मा तू फिकर ना कर बिटिया तोरे ब्याह में सब कुछ हुई तुहार बाबूजी गैल है इंतजाम करे तू खुश रहा बिटिया तू चिंता मत करा काली से सब कुछ हुए जय राम मालिक जय राम और हो खिताब है कैसे चले बिटिया के ब्याह पड़ा रहा मालिक कुछ मदद हो जात तो कृपा हो जात कहत रहे ऐसा कराए ले अगर कराए होता तो बिटिया के ब्याह में केहू के सामने हाथ फैलावे के जरूरत न पड़त मालिक गरीब आदमी 2 जून के रोटी जुटावे में परेशान रही था ये बैंक वाला काम कहाँ से हो पाई जौने समय मुँह खोला है ये समय हम बहुत परेशान हैं हम मदद न कर पाए भैया जय राम बताओ भैया जय राम बैठो 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 ठीक है अरे नीचे ना ना ऊपर बैठो ना ऊपर बैठो ना ना ऊपर बैठो अरे 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 खिताओ भैया हम बहुत परेशान हैं अरे भैया 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 इंजीन करा भैया भैया आपने दरवाजे से निदास मत करके भेजी भैया अरे भैया न दिया तो बर्बाद हो जाए भैया ठीक है कभी फिर मदद कर भैया अभी ना है भैया ऐसा न करें भैया मदद तो ऊपर वाला कर ला भैया हम तो यहाँ के बस रक्षक है सेवक है हम का कैसे यहाँ धर्मशाला थोड़ो खुलल हुआ भैया पिछली बार तू ले गए अब तो देवे ना करे तू फिर चला आए पिछला हिसाब पहले चुकता करा फिर आगे बात करा आए आए बस आए का भेल हो काहे मुंह उतरल है तबियत तो ठीक बा न का भेल सुगना के बाबू अरे कुछ बताइबा अरे कुछ बोलबा हम जानत रहे तो सो कुछ न हो पाई तू दिन शादी के रह गई घर में फूटी कौड़ी तक ना है इससे अच्छा तो जहर दे दे हो तो हम सब मर गए लोई का हो भगवान अब का हो गांव वाले के का मुंह दिखाए हम सब का मुंह दिखाए कैसे हो सुगना का ब्याह कैसे हो अरे चुटकी की अम्मा चिंता ना करा सब इंतजाम होगा पगली कही की
चल हट चल चल, खाना बना, बहुत जोर से भूख लगा है। जा हटा, कहाँ चिपकाने वाली आदत अभी तक ना। जा खाना बनावा, अपन खा। चला 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 था, मैं बनावा आज खाना, आज हमरो हाथे के खा ले खाना। चला चला उठा 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 सब लोग, बिटिया उठा सब लोग, सुगना सुगना उठा छुटकी, चला खाना खा ले। खा बेटा खा, सब लोग खा। बिन नहीं तक सब परेशानी दूर हो जाए बेटा, खा ले सब लोग, चिंता करे के कोनो जरूरत ना हो, खा ले सब लोग खा ले। मित्रों, यह थी सुगना की कहानी, यानी कि भारत के अति पिछड़े वर्ग के घर घर की कथा, जहां पर शिक्षा तो पहुंच रही है परंतु सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विसंगतियां आज भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अगर प्रधान ने खिताऊ को शौचालय दे दिया होता तो सुगना को शौच के लिए बाहर न जाना पड़ता। सुगना रात में शौच के लिए बाहर नहीं गई होती तो मंगल जैसे दुराचारियों से सामना नहीं होता और सुगना के परिवार को अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में बाल विवाह और दहेज की आग में नहीं जलना पड़ता और ना ही खिताऊ को पूरे परिवार के साथ आत्महत्या का कदम बढ़ाना पड़ता। और यह सब नहीं हुआ होता तो सुगना और चुटकी पढ़ती लिखती और हंसती खेलती रहती और सुगना का परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा होता।